बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ चिकन शवरमा की रेसिपी शेयर करेंगे स्पेशल गार्लिक सॉस के साथ। बहुत ही इजी टू मेक है और इस गार्लिक सॉस के साथ तो इसका बिल्कुल ऐसे टेस्ट आ जाता है जैसे आप मार्केट का शवरमा खा रहे हैं। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया एक पैन में, इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड कर लेंगे। जब लहसुन सुनहरी हो जाएगा तो हम इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर लेंगे और बाकी मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन को हम हल्की फ्लेम पे तकरीबन 12 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए। ऑलमोस्ट 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन बहुत अच्छी तरह टेंडर हो चुका है और ये रेडी है। अब हम गार्लिक सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। गार्लिक सॉस के लिए ब्लेंडर में 1/2 कप लहसुन के जवे ऐड करूँगी। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे कि लहसुन पेस्ट बन जाए। लहसुन जब इस तरह पेस्ट बन जाएगा तो हम इसमें 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसको सारा इकट्ठे नहीं शामिल करना, इंटरवल्स पे शामिल करना है थोड़े थोड़े। इसमें 1/4 कप लेमन जूस भी ऐड करेंगे। लेमन जूस और ऑयल को हमने ऑल्टरनेटिवली ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडर में। जैसे जैसे हम इसको ब्लेंड करते जाएंगे ये बहुत थिक स्मूथ सी पेस्ट बनता जाएगा, बिल्कुल मेयोनीज़ की तरह। और मेयोनीज़ की तरह ही इसका स्मूथ टेक्सचर है और कलर होता है। शवरमे के अलावा चिकन सैंडविचेस में भी इस सॉस का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्राइज़ के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम शवरमा असेंबल कर लेते हैं। मैंने पीटा ब्रेड टोस्ट की है, इस पर मैं गार्लिक सॉस स्प्रेड कर लूँगी अच्छी तरह। इस पर मैंने लेटस रखा है थोड़ा सा और इसमें मैं चिकन डाल लूँगी जो हमने पहले बनाया था। थोड़े से चॉप्ड अनियंस हैं और क्यूकम्बर स्लाइसेस भी रखे हैं मैंने। थोड़ी सी चीज़ भी ऐड करूँगी इसमें। काफ़ी फ्रेश सा टेस्ट होता है शवरमे का और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। केचप या बारबेक्यू सॉस जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और इसको फोल्ड कर लूँगी। बहुत ही मज़े का शवरमा बना था, हम सब ने इसको बहुत इंजॉय किया। आपने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है और हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डार्स किचन को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।